रहीम अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनैद अजीम, आप देख रहे हैं मेरा चैनल अदान डायपर हाउस। एक दफ़ा फिर आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। आज एक डायपर है, उसका जो है थोड़ा सा ऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे, उसका पोस्टमार्टम करेंगे, बल्कि उसको चीर फाड़ करेंगे, देखेंगे कि क्या बोल रहा है वो। कंपनी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, क्या वाकई उसके अंदर जान है, कोई दमदार डायपर है, या बस एम आई जो है वो दूसरे डायपरों की तरह, दूसरी कंपनी की तरह जो है वो शगुफे बताती है ये डायपर है। चीयर्स के नाम से तो कुछ भी नहीं करते, इसकी सारी स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, ये है जनाब 250 ml, ये 250 ml है, इसके अंदर पानी हमने डाला है, और 250 ml का ये पानी इसके अंदर देख लें, आपको नज़र आ रहा होगा, अगर और इसको जूम करके भी दिखाओ, ये 250 ml ये नज़र आना चाहिए पानी इसके अंदर, ये पानी इसके अंदर है, इसके अंदर ये महलूल है, ये देख लें, ये नज़र आ रहा है 250 ml, और क्लियर नज़र आएगा 250 ml, सही है। अब इसी पानी, ये आ गया डायपर, ये दिखाओ भाई यहाँ से, बोलिए 250 ml का मैंने पानी ले लिया, और इसको मैं डालने लगा हूँ इसके अंदर, ये देखें जी पानी बिल्कुल फिनिश हो गया, और हमने डाल दिया इसके अंदर 250 ml, बोतल हो गई है खाली, आपके सामने है ये देखिए, ये बोतल खाली कर दी, बिल्कुल एम्प्टी खाली बोतल आपको नज़र आ रही है, ये बोतल हम साइड में रख देते हैं, और ये डायपर को कुछ देर के लिए कुछ रख देते हैं। इतने में आपको इसमें साइज बताता हूँ, उसमें साइज कौन कौन से आते हैं, इतने में ये जस्ट करता है, ज़ाहिर है इतना तो टाइम इसको देना पड़ेगा कि जस्ट करता है नहीं करता। अगर उसने जस्ट कर लिया तो उसमें और पानी डालेंगे, अगर उसने जस्ट नहीं किया तो फिर इतना ही आपको फीडबैक दे दूंगा कि इसकी परफॉर्मेंस और उसकी टाइमिंग कितनी होगी, क्योंकि अंदाजा हो जाएगा 250 ml पानी और 500 ml पानी में जो है वो जस्ट करने की सलाहियत तो उसका अंदाजा हो जाएगा। ये डायपर है, ये कंपनी है जी, देख लीजिए इसके फीचर एंड ब्रांड भी बताता हूँ। ब्रेथेबल शीट होती है इसके अंदर, जैसे कि मैंने देखिए इसके अंदर पानी डाला तो मैं आपको बताऊँगा, शीट जो है ब्रेथेबल होती है, जब बच्चा टूसू करता है तो बिल्कुल शीट जो है वो खुश हो जाती है, ऊपर से गीलापन उसकी स्किन पर नहीं लगता है, फिर ये जो है स्किन को जो है वो प्रोटेक्ट करती है, यानी कि गीला पाने से स्किन को आपकी प्रोटेक्ट करके जा रहा है। जब ब्रेथेबल शीट है और जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगी ऊपर से शीट, तो फिर बच्चे की स्किन पर गीलापन नहीं लगेगा। इसके अंदर इन्होंने फ्रेगनेंस का इस्तेमाल किया हुआ है, और थोड़ा सा इसके अंदर इन्होंने लोशन भी डाला है, ताकि बच्चे को किसी किस्म के रैशेज और परेशानी ना हो, ना ही इचिंग हो, ना ही कोई इरीटेशन हो, ना ही कोई रेडनेस हो। चलते हैं अपने जो पानी डाला था उसको देख लेते हैं क्या सूरत हाल है इसकी। पानी जब कर रहा है वैसे, लेकिन इसमें देख सकते हैं आप ये खुश अभी मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ है, लेकिन जर्ब इसने कर लिया है, 250 ml इसने जर्ब कर लिया है। तो 250 ml जो है इसमें और डाल देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो ये आ गई है बोतल 250 ml की, मैं ये दिखाया था आपको, ये देखिए ये रहा 250 ml, पूरा पानी इसके अंदर 250 ml है। 250 ml पहले मैंने ये डाला, 250 ml ये खाली हुई बोतल, उसके बाद 250 ml ये कुल मिला के 500 ml इसमें हम डाल रहे हैं पानी, फिर देख लेते क्या 250 ml तो इसने खुश कर लिया है, तो 500 ml इसमें हम डाल देते हैं, मज़ी 250 ml डालते हैं। तो अब जो है ये देखते हैं कि 500 ml पे ये इसकी परफॉर्मेंस क्या है, क्या बोलता है। ये देखें गाइस, 500 ml पानी जो है इसके अंदर हमने डाला है, तो रिजल्ट जो है वो बेहतर है। 500 ml से करता नहीं, 250 ml भी जो है वो बच्चा नहीं करता है, देखिए मैं इसको उल्टा करके दिखा रहा हूँ, तो ये देख लें कोई भी जो है वो पानी इसमें से नहीं टपक रहा है, इसने मुकम्मल तौर पर जस्ट कर लिया है। तो 500 ml इनफ होता है, 500 ml जो है वो बच्चा जो है इतना वुज़ू नहीं करता है, तो 500 ml 250 ml की देख लीजिए आपके सामने है, मैंने 2 बॉटल्स में 250 ml नाप के मेजर करके इसमें डाला था, जो कि इसने मुकम्मल तौर पर जस्ट कर लिया है। तो अब इसकी बात कर लेते हैं हम इसके साइज़ की और इसकी प्राइस की। साइज़ हैं इसके अंदर आपको मिल जाएंगे मीडियम, लार्ज, एक्सेल और डबल एक्सेल। ये मीडियम साइज़ है 50 पीस हैं, ये लार्ज साइज़ है 50 पीस हैं, ये एक्सेल साइज़ है 50 पीस हैं, ये डबल एक्सेल साइज़ 6 है 50 पीस हैं। वेट की वेरिएशन मीडियम, लार्ज, एक्सेल और डबल एक्सेल तीनों की लिखी हुई है। तो मीडियम के प्राइस होने वाले हैं 1250 रुपये, लार्ज के प्राइस होने वाले हैं 1350 रुपये, एक्सेल के प्राइस होने वाले हैं 1450 रुपये, और डबल एक्सेल के प्राइस होने वाले हैं 1650 रुपये। तो डबल एक्सेल में जो है वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो है वो डबल एक्सेल में ज़्यादा जो है वो फ़र्क आता है, 250 रुपये से लेकर 300 रुपये का फ़र्क आता है। डायपर अच्छा है, हमारी तरफ से हाईली रिकमेंड है,
बहुत VIP बेहतरीन किस्म का डायपर है, रैशेज वगैरह की कोई कंप्लेन नहीं है, रिपीटली कस्टमर है इसका, कस्टमर फीडबैक बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा फीडबैक है इसका, एक्सीलेंट कस्टमर फीडबैक है। तो आप लोग भी बिला झिझक ये डायपर हमारी अलान डायपर हाउस की तमाम ब्रांचेस से परचेज कर सकते हैं। मैंने इसका आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया, इसमें बहुत ज़्यादा मैंने पानी डाल के, बहुत ज़्यादा पानी डाल के दिखाया, बच्चा 250 ml भी जो है ना वो सूसू नहीं करता है, लेकिन मैंने फिर भी इसमें ज़्यादा आपको पानी डाल के दिखा ताकि इसकी मैक्सिमम वर्थ हमें पता चल जाए कि इसकी मैक्सिमम क्या है। जब ज़ाहिर परफॉर्मेंस से मॉनिटर करते हैं और डायपर को चेक करते हैं, इसकी चेकिंग करते हैं, तो उसको मैक्सिमम लेवल पे जाते जाके चेक करते हैं कि आखिर कितना पानी को ये जज कर सकता है। फिर ज़ाहिर है जो सूसू है उसमें थोड़े से केमिकल वगैरह भी होते हैं, क्लोरीन वगैरह होता है और सोडियम वगैरह होता है जो कि पानी के अंदर नहीं। पानी का फार्मूला और सूसू का फार्मूला ये बताना चलूँ आपको, दोनों का अलग होता है। सिर्फ हम एक आइडिया ले सकते हैं कि क्या आइडिया हो सकता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है, वो भी लिक्विड फॉर्म में होता है, तो बस ये चीज़ एक सिमिलर है दोनों चीज़ों में, तो उससे हम एक आइडिया थोड़ा सा ले सकते हैं कि क्या परफॉर्म देगा। आज की वीडियो के लिए फिलहाल गाइस इतना ही, अगली वीडियो के लिए इंशाल्लाह फिर आपसे बहुत जल्द कल या परसों मुलाकात होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट से हमें आगाह कीजिएगा, उसमें कोई आप और इम्प्रूवमेंट या और बेहतरी या और किसी और डायपर की आप रिव्यू चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।